तो आओ अब इसमें शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 10B पेंसिल, पहले मुझे देख लो, ठीक है? 10B पेंसिल ली, 10B पेंसिल से अंदर आयरिस वाला जो पोर्शन है, पिंपल वाला, ये करो। उसके बाद जो अपनी आंख की पूरी जो आउटलाइन है, देख सकते हो सारी आउटलाइन डार्क है, जो ऊपर वाली ज्यादा ही डार्क है, ठीक है? ऊपर वाली अच्छे से बना लेना, इससे हल्के हल्के जो आईलैशेस पीछे जा रहे हैं वो भी से बना लो थोड़े थोड़े, और ये आगे की तरफ आई। अब देखना ये वाले पोर्शन में नहीं है, ठीक है? टिप की अपनी टिप डार्क हो गई होगी अच्छी खासी। ऊपर एक और कर्व आया, ये हो गया। पीछे से जो कर्व आ रहे हैं वो डार्क रहेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा हल्का हल्का यहाँ हल्के हल्के कर्व है, ठीक है? थोड़े थोड़े यहाँ रहेंगे इस तरीके से, हल्की हल्की शेडिंग करते जाओ अभी, ठीक है? आईलैशेस हल्के हल्के लगा दें, यही सेम प्रोसेस अपन राइट वाले में कर दो। रिंकल्स है इन्हें डार्क डार्क नहीं बना, आईलैशेस है इन्हें डार्क करना, रिंकल्स को कर देना डार्क, वो अपन बाद में एंड में जब हाईलाइट वाला उसमें कर। इतना हुआ, इतना करने के बाद फिर 6B पेंसिल ले लो, ठीक है? 6B पेंसिल ले लो, ठीक है? अब अपन ने 6B पेंसिल ली अपनी, ठीक है? 6B पेंसिल को ऐसे भरना नहीं, इस तरीके से शेड करो, ठीक है? सर्कुलर चलाओ, पूरे में चला दो, ये अपन डिफरेंस में देख सको, देख सकते हैं कि वो पूरे डार्क है। इसके बाद ये जो थोड़े बाहर बाहर की तरफ फैल रहा है उसे इरेज कर देना ऐसे। ओके, अभी अपन हाईलाइट नहीं दे रहे, अभी अपन हाईलाइट नहीं दे रहे, वरना बाद में फिर वो इरेज ही हो जाएगा, फायदा नहीं। इसके बाद एक चीज देखो, अपनी मैकेनिकल पेंसिल से जो बिंदी वाला पोर्शन है ये फिल कर दो, और आईलैशेस देखो, जितना तो कर ले आईलैशेस देखो पहले, जैसे थोड़े बाहर की तरफ जा रहे हो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे से आगे आते हैं मैकेनिकल पेंसिल से बनाना, मुझे देखो ऐसे लंबे होते जा रहे हैं, बस इतना है कि पीछे जाते जाते लंबे हो, ये स्टार्टिंग से ही ऐसे कर्व चल रहे हैं, स्टार्टिंग से थोड़े से कर्व जैसे जैसे पीछे जाते जा रहे हैं और लंबे होते जा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ ऐसे लंबे आते जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, इस तरीके से अपन इतना कर लो। तो अपन फर्स्ट लेयर डालेंगे ये पेंसिल लेयर, ठीक है? तो मुझे फॉलो करो, इसमें क्या है यहाँ नोज कुछ कुछ नहीं है, पहले देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ नोज की जो दिख रही है ना ये बनाऊंगा, तो उससे पहले आईज कर लेते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सर्कुलर चलाऊँ, ये जो एक पोर्शन है ये आईब्रो में जो कर्व आ रहा है इतना छोड़ देना यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि अपनी रेफरेंस में भी उतना छुटका हुआ है, हाईलाइट से दिख रहा है, ठीक है? इसे सर्कुलर चलाते हुए आऊँ, तो जल्दबाजी में नहीं आना, स्मूथ चलाना, यहाँ पे आए। अब इसके बाद नीचे नीचे से कर लो थोड़ा, जो अपन पहले दोनों आई की कवरिंग कर ली, उसके बाद फिर अपन करेंगे, ये किया। अब इसके बाद क्या करना है, जो राइट वाला अपन ने किया था इसे हल्का हल्का उसकी स्टेप इरेज कर दे हल्की, ओके? इसको भी अब इसी तरीके से कर लो शेड, सर्कुलर शेडिंग मेथड से अपन ने ये वाला पोर्शन कर, देखो स्मूथली करना है, साथ साथ करते जाओ स्मूथली करते, नीचे वाला देखो पूरा नहीं भरना, चीक्स वाला पोर्शन आ जाता है हाईलाइट वाला, यहाँ पे सिर्फ जो आई वाला पोर्शन है ना यहाँ पे रिंकल्स दिख रहे हैं, और ये करना है। अब इसके बाद जरा ही हाथ खाना, अब नहीं करना हाथ खाना, नोज वाला, तो नोज वाले पोर्शन में यहाँ से भरते हुए, ठीक है? नोस्ट्रिल यहाँ करी, यहाँ पे बेस है, एक बीच में पार्टीशन सा रेफरेंस में अपन पार्टीशन सा दिख रहा है ना उसके बीच में इस तरीके से, तो यहाँ पे सर्कुलर चलाते चलाते रहो, पार्टीशन की लाइन दिमाग में रखनी है, ठीक है? यहाँ से ऐसे निकलती हुई आएगी, इस तरीके से वो लाइन दिमाग में रखो, ये ड्रॉ नहीं करी मैंने, शेड करी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ये वाला पोर्शन ऐसे शेड, ठीक है? तो ये हल्का हल्का यहाँ बेस पे होगा और फिर ये यहाँ नॉस्ट्रिल में जाएगा, ओके?
इस तरीके से आईज नोज वाला पोर्शन शेड हो जाता है। तो देखो चीक्स के पास वाला पोर्शन कंटिन्यू करना है, तो एक बात ध्यान रखना जो हाईलाइट जैसे यहाँ पे छूटा है, यहाँ छूटा है, यहाँ छूटा है, चिन पे थोड़ा, चीक्स पे थोड़ा, फोरहेड पे, वो अपन छोड़ेंगे। तो अपन उसके साथ चलते हैं और ये जो डार्क बॉर्डर सी दिख रही है ये भी बनाएंगे। तो यहाँ से पहले वो जो डार्क बॉर्डर दिख रही है अपन को एक, तो अपन पहले हल्का हल्का एच पी से उसका वो पोर्शन ऐसे लंबा किया और इसे शेड कर लो ताकि अपन को समझ में आ जाए कि ये यहाँ यहाँ डार्क बॉर्डर है, ठीक है। और अब बाकी का तो असल में क्या है, सिंपल है, आता ही है। तो ऊपर ऊपर से शेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ से शेड करते हुए लाएंगे, पहले देख लो, मुझे एक काम करो, पहले देख लो, तो मैं करने के लिए टाइम दे दूंगा। यहाँ देखो इस तरीके से धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग करते जाओ, आराम आराम से स्मूथली भरना है। तो पहले जो डार्क पोर्शन अपन ने अलग किया है इसे अच्छे तरीके से भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स आ जाते हैं, इस तरीके से। अब सेकंड पार्ट जो है लिप्स से क्यू और नोज के बीच से स्टार्ट करो, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। यहां से ऐसे शेडिंग करते हुए स्टार्ट करो, लिप्स के नीचे लेते हुए आओ, ये तो डार्क पोर्शन आ जाता है, इसके बाद लाइट भी रहेगा सब। तो अब ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा अपन को एच पी से ही भरना है, ठीक है। जैसे जो चीक्स वाला पोर्शन है थोड़े थोड़े हाईलाइट्स यहाँ पे हैं, जो थोड़े थोड़े छूटे हुए हैं ना यहाँ पे, वो अपन अपनी नीडेड रेजर से बना लेंगे। जो मेन जो आ जाता है वो यहाँ पे रहता है चीक्स वाला। तो चीक्स के अराउंड ऐसे सर्कुलर शेडिंग कर लो पहले, हो जाता है सर्कुलर, और यहाँ यहाँ से ऐसे हिस्सा लगभग लगभग पूरा भरना ही है अपन को, तो उल्टा सीधा नहीं भरना है, इसे थोड़े कर्व जो आ रहे हैं ना ये फ्लो है, इस फ्लो में ही भरना है। तो इसी तरीके से करते जाओ, इस तरीके से देख सकते हो अपन ने भर लिया ये, ओके। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है अपन को, तो यहाँ चिन पे हल्का सा छोड़ देना, जैसे अपन चिन को सर्कुलर बनाते ना, तो यहाँ पे हल्का हल्का छोड़ देना बीच में थोड़ा, और फिर अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। चीक्स वाला है, देखो चीक्स के थोड़े ऊपर आएगा, जो अपन ने कर्व बनाया ना, जो अपन ने कर्व बनाया है उसको ऊपर करो हल्का हल्का ऐसे धीरे धीरे, और ये करते करते यहाँ ये ईयर्स भी फिल कर लेना, ये थोड़ा यहाँ बॉर्डर बॉर्डर के पास भी, ठीक है। और ये यहाँ हल्का हल्का यहाँ छोड़ो, ठीक है, हाईलाइट। ये वाला जो पोर्शन है ये तो अपना पूरा फिल होगा, मुझे दिख रहा ना, ये अपन पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर अपन ने शेड कर ली। थोड़ा नेक वाले रीजन के ग्राफ इरेज कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा यहाँ यहाँ पे भी कर लेंगे। तो पहले इतना कर लो, अब तो ब्रश ले लो, ठीक है। अब ब्रश और कॉटन से अपन ब्लेंड करेंगे, तो जो फोरहेड है पहली बात यहाँ रखो कॉटन, और ऐसे धीरे धीरे आराम से चलाओ, बहुत प्रेशर के साथ नहीं चलाओ, ठीक है। कॉटन ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ, सर्कुलर चला लो, तो ये वाला पोर्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब बाकी का जो है छोटा है चेहरा, ब्रश ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्रश को भी ऊपर की तरफ से थोड़ा सर्कुलर चलाओ फोरहेड के पास, ओके। फोरहेड के पास इस तरीके से सर्कुलर चलाते जाओ, और आईज वाले पोर्शन पे आते आईज पे ओवल ओवल चलाओ। तो जिस तरीके से पहले मेरे ब्रश पे ध्यान दो, मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ तरीके से चला, ओके, पहले देख लो।
यहाँ थोड़ा नोज पे और यहाँ चीक्स पे मैंने कॉटन के साथ किया है, तो तुम भी कॉटन के साथ ही करना, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी मैं ब्रश के साथ कर रहा हूँ पहले देख लो, ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ कहाँ मैंने किसके साथ किया है, तो उस डायरेक्शन में करना। जैसे ये है जो अपने डार्क पोर्शन के लिए एक आउटलाइन सी बनाई थी, तो उस पर थोड़ा अच्छे से ब्रश चला लो ताकि वो अभी से डार्क दिखने लगे, ओके। और बाकी सबको आराम आराम से ब्लेंड कर लो, जैसे ये वाला पोर्शन है आराम आराम से ब्लेंड कर लो, और यहाँ पे कॉटन ऐसे सर्कुलर चला लो, ठीक है। चिन आ जाती है तो चिन पे अपने तो सर्कुलर ही चलाते हैं कॉटन, ठीक है। इस तरीके से अपना ये ब्लेंड भी हो जाता है। सब टेप भी पेंसिल लो, ठीक है। आईब्रोज देखो पीछे की तरफ लाइट है, आगे की तरफ डार्क है राइट वाले, तो ये जो आईब्रोज हैं, ठीक है, इनको डार्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लगाना, शार्प स्ट्रोक लगाओ, आगे की तरफ डार्क रहेंगे और पीछे थोड़े लाइट हो जाएंगे, मैच भी यहाँ तक करी थे, तो टूबी उससे कम ही करेंगे, और टूबी को थोड़ा लाइटली यूज कर लो इस एरिया में, ठीक है। इस लेफ्ट वाले में थोड़ा डार्क किया था ना, इधर पे थोड़ा लाइट यूज करो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ फिर आइस के आइस से जुड़ते जुड़ते नीचे नोज की तरफ आएंगे, नोज में यहाँ तक थी बॉर्डर, तो उससे थोड़ा कम ही रखना टूबी, ठीक है, टूबी से। और ये आउटलाइन दे दो इस तरीके से, इस तरीके से धीरे धीरे आउटलाइन दे दो यहाँ पे। देखो टूबी क्या है, रफ नहीं करना, स्मूथली करते जाना, तो यहाँ थोड़ी हल्की हल्की आउटलाइन देना है इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ी आउटलाइन यहाँ, ठीक
तरीके से अपनी सेकेंड लेयर भी हो जाती है, ठीक है, तो इतना कर लो। तो फोर भी देखो, फोर भी अब देखो राइट साइड वाले पोर्शन में फोर भी है ही नहीं, यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैकेनिकल सी हो जाएगा, फोर भी है सिर्फ ये वाला डार्क पोर्शन, और फोर भी को भी लाइटली यूज करो। तो पूरा ऊपर से लेते हुए नहीं आएंगे अपन, ठीक है, ये जो है यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, अब यहाँ से करते करते थोड़ा से ऊपर लेना, और ऊपर ले जाते ऐसे लाइट कर देना, ठीक है। अपन एकदम ऐसे लाइन में ड्रॉ करना, अपन जब ब्लेंड करेंगे तो उसे थोड़ा बाहर की तरफ भी घुल मिलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक डिफरेंस दिखना चाहिए अपन को यहाँ पे। तो यहाँ पे बस इसे इस तरीके से शेड करा, ये थोड़ा पीछे ईयर्स की तरफ भी ले गए, और यहाँ पे देखना जरा चिन के पास ये जो पोर्शन दिख रहा है, जो ऊपर की तरफ जाता हुआ एक कर्व है, ठीक है, हल्का हल्का इस कर्व पे करो, और हल्का हल्का इसके साइड में जाता हुआ जो कर्व है हल्का हल्का यहाँ। अब ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर दो, पहले ऊपर ऊपर कर दो ताकि फोरहेड में मिक्स हो जाए, और यहाँ करते करते थोड़ा बाहर की तरफ लाना, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे आराम आराम से करना, बहुत ज़्यादा एकदम बाहर की तरफ फैलाना भी नहीं है अपन को, और ऐसा भी नहीं कि अंदर ही अंदर एकदम डार्क हो जाए, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इस पर हल्का हल्का ब्रश चला लो, ताकि यहाँ की जो डेप्थ है वो हो मिल जाए, थोड़ा स्मूथ करने के लिए हल्का हल्का कॉटन चला लो इसको। इस तरीके से अपना ये 4B की लेयर हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अब देखो क्या करना है, लेफ्ट आई पकड़ी अपन ने, तो ये अपन ने जो पीछे जा रहे थे वो तो पहले ही बना लिए। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आयरिस वाला पोर्शन है ना, ये नीडेड इरेजर की मदद से इसे पूरे को साफ कर लो। इसमें अपन ने ग्रेफाइट आ गया था ढेर सारा, तो दोनों आईज में ये वाला पोर्शन जो है वो साफ कर लो। अब आईलैशेस जो है ये देख सकते हो, ये थोड़ा डार्क पार्ट है एकदम टिप पे, पहले मुझे देख लो, ठीक है, ये डार्क पार्ट है टिप पे, ठीक है, आगे है ये टिप देख सकते हो थोड़ी है, ये आंखों के नीचे देखो ये डार्क है, डार्क मतलब ये नहीं होता कि 10B जितना डार्क है, बस है दिख रहा है अपन, ये हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, यहाँ से हल्के हल्के थोड़े थोड़े जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ एक बात ध्यान रखना है स्ट्रेट नहीं आ रही है, ऐसे ये चीक्स उठा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे जो रिंकल्स से आएंगे वैसे बाहर की तरफ गिरते हुए, जैसे आईलैशेस आते हैं ना नीचे वाले, तो हल्के हल्के मैकेनिकल पेंसिल से ही बनाओ, क्योंकि क्या है उस पर हल्का सा ब्रश चलाएंगे ना अपन तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन वो लगेगा अच्छा, पूरा गायब नहीं होगा। अब जैसे रेफरेंस पे देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे आईलैशेस हैं, तो मैकेनिकल से ही बनाने हैं वो आईलैशेस, क्या करना उन्हें थोड़ा डार्क करना, ठीक है, और एकदम एंड स्टार्टिंग तक नहीं ले जाना उसे, क्या करना है यहाँ से रखना है उसे, वैसे हल्के हल्के बाल बनाना, सेंटर में आते आते वैसे गायब हो गए, आगे एकाध दो गए, ठीक है, यही थोड़ी सी चीज ऐसे हल्के हल्के ऊपर की तरफ कर लेना, हल्की हल्की ऊपर की तरफ बस। अब इसमें क्या है, वाइट जेल पेन का कमा, दो डॉट रखनी है अपन को, देखना एक यहाँ पे छोटी सी और एक यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ सही एरिया आएगा, राइट आई भी देख लो साथ साथ, इसे भी देखो क्या करना है अपन ने अंदर साफ करी ली थी, जो हल्के हल्के आप देखना रिंकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो रिंकल्स दिख रहे हैं वो मैं बना रहा हूँ, तो पहले मुझे देखो, अपन ने स्टार्टिंग में भी बना लिए थे हल्के हल्के, ठीक है, इस तरीके से ये रिंकल्स पीछे की तरफ जाते हुए, ओके, ये आगे से थोड़े डार्क रहेंगे, और फिर बाद में क्या है उसमें अपन ब्रश चला ही लेंगे, तो वो डार्क से लाइट हो ही जाएगा, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लो, लेकिन हल्का हल्का जो है जहां जहां तुम्हें शेड दिख रहा है हल्का हल्का शेड करो, ठीक है, फिर ये जो शेड किया था उसमें हल्का सा ब्रश चला, मैं ये नहीं बोलता घिसो ब्रश, ओके, डिफरेंस है। और इसमें क्या करना अपन को, इसमें भी हल्के हल्के लोअर आईलैशेस दिख रहे हैं अपन, ओके, इसमें घने थे थोड़े, इसमें एक आध तो बना लो, ठीक है, ये वाला जो एरिया था ना थोड़ा आईलैशेस वाला, इसे किया, इसे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है अपन को, ये थोड़ा डार्क है, ये यहाँ से हल्के हल्के आईलैशेस का पार्ट। अब क्या है तुम एक बात ध्यान रखना, जो ओल्ड लेडी या ओल्ड पर्सन के होते हैं उनकी आंखों के पास सबसे ज्यादा रिंकल्स टाइप एरिया होते हैं, इसमें भी व्हाइट जेल पेन का काम है, तो एक छोटी डॉट आएगी और रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक बड़ी डॉट आएगी, ठीक है, तो इस तरीके से आंखों वाला पोर्शन पूरा हो जाता है।
उतना कर लो। एक चीज और है, ये जो आंखों की टिप है ना, ये टिप इसपे एक डॉट यहाँ रखो, ओके, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं जानी चाहिए। एक डॉट यहाँ रखो, एक डॉट यहाँ रखो, इतना करो। और इसके बाद जो इसकी थोड़े बाहर जो निकल रही है ना, उसकी ऐसे आउटलाइन ही बना लो मैकेनिकल पेंसिल से, आंखों की टिप भी चमक रही है, इतना करो। तो अब देखो नोज वाला एरिया आ जाता है, तो मैकेनिकल पेंसिल लो, ठीक है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ मैकेनिकल से, ये जैसे ये है आउटलाइन, तो मैंने इतना हिस्सा जो है ये कवरिंग, ये सी शेप, ये डार्क करा, ये हल्का हल्का यहाँ जो अंदर की तरफ कवरिंग आ रही है इसे शेड करा मैंने। देखो तुम्हें करने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये वाला पोर्शन डार्क हुआ, ठीक है, नीचे नीचे आए, नीचे नीचे वाला पोर्शन डार्क टू लाइट होता जाएगा, मतलब ऐसे बहुत डार्क आउटलाइन नहीं होगी, बस हल्की हल्की आउटलाइन होगी, क्योंकि अभी अपन ने इतना ब्लेंड कर लिया कि उसकी आउटलाइन भी इरेज हो गई। और ये हल्का सा जो कर्व ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे जाएगा शेड होता हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब नोज की जो आउटलाइन बनाई है अपन ने, अब HB पेंसिल लो, ठीक है, अब यहाँ यहाँ देखो ये जो पोर्शन दिख रहा अपन को, ये डार्क दिख रहा, ये डार्क दिख रहा, तो यहाँ पे छूटा हुआ है हल्का, तो मुझे फॉलो करो जरा, शेडिंग करते समय पेंसिल को पीछे पकड़ना इस तरीके से, जरा सर्कुलर शेडिंग मेथड से, या नोज के कवरिंग लेते हुए आओ एक, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसे कवर करते हुए यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ करो उसे, ठीक है, यहाँ हल्का हल्का छोड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, कि अपन डार्क कर ही चुके थे, ठीक है, अपन को हल्का बस यहाँ डार्क करना था। तो ये नोज के नीचे वाला जो पोर्शन है, लिप्स के ऊपर और नोज के नीचे वाला, मैं थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे जो है, ठीक है,
फिर ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड कर लो, ठीक है। वो लोअर लिप का हाईलाइट में अभी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे अभी जो बाकी का हिस्सा वो ब्लेंड करना है, वो हाईलाइट फिर वापस तुरंत ढक जाएगा, ठीक है। और एक काम करूं, दे देते हैं अपन, तो हाईलाइट जो तुम देख सकते हो रेफरेंस में मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके का है। मुझे क्या करना, लोअर लिप में तुम्हें पता ही है किस तरीके से होती, इस तरीके से हल्की एक लाइन सी जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ी ऐसे कर्व और उबड़ खाबड़ सी लाइन है, थोड़े ऊपर ऊपर डॉट्स हैं इस तरीके से हल्की हल्की, ठीक है, थोड़े पीछे पीछे तक भी है। इस तरीके से लोअर लिप में थोड़ी शाइन आ रही है, ठीक है। लोअर लिप में थोड़ा आउटलाइन और हल्के से अच्छे से दे दो, ठीक है। अगर डार्क कर रखी हो आउटलाइन तो मत देना, ठीक है, मेरी आउटलाइन लाइट है, मैंने दे दी। अब क्या करना है जरा आप देखो, जरूरी पार्ट, 8B पेंसिल लो, जो डार्क पोर्शन दिखना ना ये पूरा, ये फिल करना स्टार्ट करो। इसे अब जरूरी है ध्यान से करना, पेंसिल एकदम शार्प रखना, ठीक है। मुझे देख लो पहले मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, दांतों के ऊपर नहीं आना चाहिए, सारे दांत दिखने चाहिए जो इनके रेफरेंस में दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे एकदम मुंह अंदर तक काला कर दिया, नहीं, बीच में जहाँ टंग दिख रही है वहां टंग दिखनी चाहिए। इस तरीके से आया, थोड़ा हल्का हल्का अपर लिप और थोड़ा हल्का हल्का लोअर लिप में भी आएगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मैंने अलग से ड्रॉ करवा दिया था पूरा, यहाँ से ऐसे नीचे आता हुआ ये अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और जो थोड़ी फिनिशिंग है वो मैकेनिकल पेंसिल की मदद से दे दो, हल्की हल्की जो फिनिशिंग चाहिए ना आउटलाइन अपन को, वो मैकेनिकल पेंसिल की मदद से आ जाएगी अपनी, थोड़ी यहाँ पे और थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी टंग पे जो थोड़े टेक्सचर दिख रहे हैं ना, ऐसे कर्व से दिख रहे हैं, थोड़ा रफ सा टेक्सचर दिख रहा है इस साइड, थोड़ा यहाँ ज्यादा शेड दिख रहा है अपन को, तो ये जो जितना भी दिख रहा है सब मैकेनिकल पेंसिल की मदद से कर दो। और अब अपनी मोनो जीरो इरेजर लो और दांतों को चमका दो एकदम, ठीक है, पीछे से लेके आगे तक के सारे दांतों को एकदम चमका दो आराम आराम से। नीचे के जो दांत हैं उन्हें भी चमका दो एकदम मस्त। अब थोड़ा क्या है आउटलाइन इरेज हो जाएगी, हल्की सी आउटलाइन, देखो डार्क आउटलाइन बना रखी है वो भी इरेज करना, तो पहले इतना कर लो। अब चलो नेक, और देखो तो 4B पेंसिल लो, देखो ये वाला हिस्सा तो साड़ी का हिस्सा है तो वो डार्क उसमें जाएगा, लेकिन जो हल्की हल्की आउटलाइन यहाँ से जो आ रही है, ठीक है, यहाँ तक से लेफ्ट वाले पोर्शन में, ये हल्का हल्का यहाँ पे गले में, यहाँ यहाँ ये वाला पोर्शन तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये हल्का हल्का जाएगा, आउटलाइन हल्की हल्की जाएगी, ठीक है। नीचे भी हल्की हल्की, यहाँ पे थोड़ी डार्क थी लेकिन बाकी जगह आउटलाइन जो है हल्की हल्की रहेगी, ओके। और ये साड़ी की आउटलाइन जा रही है जो वो 4B पेंसिल से क्या है, जैसे लिप्स में करे थे ना लेफ्ट टू राइट ला रहे, इसमें भी वही करना है अपन को, बस थोड़े प्रेशर के साथ करो ताकि डार्क दिखे। देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ी डार्क दिख रहा है अपन को, ओके, तो ये लेफ्ट टू राइट जो है ये थोड़ा डार्क दिखे अपन को। सर 4B से या फिर 8B? सर स्क्रीन दिखा दीजिए। थोड़ी ब्लेंड करने के बाद हल्की हल्की आउटलाइन जो रहती है ना हर समय, उसके साथ कर लिया करो मैकेनिकल पेंसिल के साथ। थोड़ी ब्लेंड करने के बाद हल्की हल्की आउटलाइन जो रहती है ना हर समय, उसके साथ कर लिया करो मैकेनिकल पेंसिल के साथ, आउटलाइन दोबारा रीडिफाइन कर लिया करो, वो सही रहता है, ठीक है। तो देखो 6B पेंसिल जो है ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा ना, जैसे अपन ने बिंदी करी थी ना, शेड करा था, ऐसे भरा नहीं था, उसको पकड़ के शेड करा था अपन ने पेंसिल, ठीक है, इतना पोर्शन उसे शेड कर लो और इसे ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड कर लो, ओके, तो आराम आराम से करो। और इसे हल्का हल्का आगे भी लाओ, जैसे ये देख सकते हो ये वाला पोर्शन भी डार्क है, तो जो हल्का हल्का डार्क पोर्शन जा रहा है ये, इसे भी करो, बीच में जो लाइट छूट रहा है
वो लाइट रहने दो, ओके इस तरीके से। अब ब्लेंडिंग स्टंप लो अपना, और ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ खाली सा दिखना चाहिए, ये जो हल्का हल्का दिख रहा है वो रहने दो, ऐसे एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए मुझे, ठीक है। जो हल्का हल्का बाहर फैल गया ना, ये इसे इरेज कर लेना, एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व दिखना चाहिए अपन को अच्छा खासा, ठीक है। तो ये डेप्थ भी मिल गई अपन को बढ़िया। जरा आप इधर देखो, ये साड़ी वाला जो पोर्शन है तुम देख सकते हो, ये हिस्सा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट है, या तो अपन 2H पेंसिल जो सबसे लाइट आती उससे करें, ठीक है। यहाँ बचता है तो ये देखो कर्व अपन को कहाँ चाहिए, अपन पूरे में कर सकते हो, जहां नहीं चाहिए इरेज कर लो, क्या करो यहाँ रखो ब्रश, एक डायरेक्शन बनाओ, ठीक है, ऐसे सर्कुलर चला लो अब उस डायरेक्शन पे। इतने पोर्शन पे अपन को चाहिए, यहाँ यहाँ अपन ने क्या किया देख सकते हो, धीरे धीरे आता जा रहा है, आता जा रहा है, थोड़ा यहाँ पे भी अब साइड साइड में, तो ये आया। तो यहाँ यहाँ करो, अब क्या है ग्रिड इरेज कर लेना तो अच्छा रहेगा, ये मैंने किया, अब डार्क हो गया ये वाला, अब मैं यहाँ यहाँ करूंगा, तो ये जैसे इतना एरिया दिख रहा है, लेकिन मैं अब जो दोबारा ब्रश चला रहा हूं थोड़ा पॉइंटेड करके उसके सेंटर पे चला रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा फैलता हुआ दिखे बाहर, बीच में डार्क, ये जो कर्व आ रहा है अब मैं इस पे करूंगा, ठीक है, इतना आ गया। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये एकदम अपन को शार्प दिख रहा है, ओके। तो अब अपन को क्या करना, अब अपन अपनी ये इरेजर ले लो, क्या कहते हैं मैकेनिकल इरेजर ले लो, ये जो कर्व दिख रहा है। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे जो अपन को हाइलाइट्स दिख रहे हैं ये वाले, एकदम शेप में दिख रहे हैं, ऐसे फैले हुए नहीं दिख रहे, जैसे इसकी आउटलाइन है, तो ये जो है इस तरीके से एक शार्प शेप दिख रहा है अपन को, ये नीचे की तरफ एक शार्प सा शेप आता हुआ, ये जो पीछे की यहाँ तक नहीं है, ये जो शोल्डर है इनके यहाँ तक नहीं है अपना ये हाईलाइट, मतलब यहाँ हाईलाइट यहाँ तक है, ऐसे शेड नहीं आ रहा, तो इसके जो बाहर तक ग्रेफाइट आ गया है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो वो अपन अपनी मैकेनिकल इरेजर की मदद से उसे एक बार यहाँ रखो ऐसे इरेजर, और इस तरीके से इरेज कर लो, ठीक है। तो अपना आप देखो एकदम एक्यूरेट आ गया है, तो इस तरीके से सफेद साड़ी में जो ऐसे स्लीव्स आ रही ना, कि ये देखो ये उठा हुआ है, ये थोड़ा झुका हुआ है, इस तरीके से लुक आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। देखो जरा क्या करना है, अब आउटलाइन जो है वो हल्की सी बनाओ, ठीक है, एकदम बहुत डार्क नहीं करनी, जो ये आउटलाइन इसकी थी ये वाली, ठीक है, ये 6B से शेड करना है, ये मैं भर नहीं रहा हूँ, 6B से शेड करना है, ठीक है, ये धीरे धीरे कर्व करते हुए आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आउटलाइन दिख रहा है, ये ठीक है, तो ये 6B से हुआ। अब ये जो बन रहा है ना, ये बाद में बना लेंगे, मेन है पहले उस एरिया को शेड करना, तो सबसे ज्यादा ये वाला छोड़ देना इसका, क्योंकि ये पूरे हाईलाइट ही हाईलाइट है, मेन पार्ट ये हो जाता है, और कान वाले पार्ट और चेहरे वाले पार्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए 6B। आराम आराम से करो, ये जैसे हाईलाइट दिख रहा ना यहाँ पे, ये हाईलाइट भी छोड़ना है, ये हल्का हल्का जो डार्क दिख रहा ईयर्स के आउटलाइन पे, ईयर्स की आउटलाइन देना है, ठीक है, ईयर्स की आउटलाइन पे देना है, ये मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, 6B से कर रहा हूँ, उसके बाद 8B आएगी, क्योंकि अपन को ऐसे 4B 6B ज्यादा लेयर डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डार्क लेयर यूज करो, ठीक है। और इसमें इतने ज्यादा वो नहीं दे रहे, जो अपन ने इस तरीके से स्ट्रिप्स बना रखी है ना, इन्हीं में हाईलाइट देंगे अभी, ठीक है। तो आराम आराम से जितना मैं पार्ट कर रहा हूँ उतना शेड करते जाओ और देखते जाओ मुझे, ठीक है। तो मैं करता हूँ शेड और तुम लोग देखते जाओ, साथ साथ करते जाओ तो भी चलेगा, तुम्हें पता ही है जो हाइलाइट्स पोर्शन छूट रहे हैं ये वाले जा रहे हैं, इन पे नहीं करना, कैसे करना है देख लो, एक पोर्शन करके बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसे रहेगा, मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेनली एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये अब थोड़ा टेढ़े में जा रहा है यहाँ से, ठीक है, हल्का सा टेढ़े में जा रहा है, ये बनाया मैंने, तुम्हें बनाना नहीं है, लेकिन तुम्हें हिसाब रखना है कि यहाँ तक रुक जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये भी टेढ़े में जा रहा, अपन का यहाँ पे है ये हाईलाइट, ये हल्की हल्की हाईलाइट और फिर से यहाँ आ रही है,
फिर ये जो ऊपर की तरफ हाईलाइट है, देखो बॉर्डर जो है वो पूरी डार्क है इस तरीके से। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। देखो बॉर्डर जो है बॉर्डर रखना है अभी, ठीक है, इस तरीके से जो बॉर्डर है उसमें तो पूरा रहना है, ओके। कॉटन से ब्लेंड करेंगे ताकि एकदम डार्क ब्लेंड हो जाए, अच्छा खासा अपना स्मूथ हो जाए, ठीक है। मेनली अपना काम क्या है, स्मूथ का। अब ये देखो यहाँ पे उठा हुआ है, वो सेम चीज यहाँ उठी हुई है, लेकिन बीच में जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना वो भी बना लो ऐसे, ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे ये शेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हल्का हल्का है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आता है, ओके, ये तो पूरे ही डार्क हो जाएगा, एक लाइन सी जा रही ना, ये इतना पोर्शन देख सकते हो पूरे ही डार्क हो जाएगा। दोबारा 8B से भी करना पड़ेगा, ठीक है, आराम आराम से। और फिर देखो बॉर्डर एक बार ध्यान रखना, चेहरा 4B तक रहेगा, आउटलाइन जो अपनी 6B दिखनी चाहिए, तो डिफरेंस दिखना चाहिए, इसको थोड़ा डार्क ही रखो। इसे आउटलाइन कर रहा हो ये अब क्या है, ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन आ जाता है ना साड़ी वाले पे, तो ये वो है, वरना बाकी ऊपर से नीचे तो डार्क जा रहे हैं, ये दिखना ना डार्क टू लाइट आ रहा है, ये डार्क टू लाइट ही दिख रहा है अपन इस तरीके से, यहाँ डार्क टू लाइट दिख रहा है, ओके। और फिर इसके बाद 2B पेंसिल लो, देखो ये जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा से डार्क नहीं है, ठीक है, वही 2B किया था, 2B के बाद हल्का हल्का इसमें जितना पोर्शन ही दिख रहा है, बीच में से स्ट्रोक्स लाइन ही दिख रही है कि ये 4B, फिर ये बीच में गैप क्यों था, फिर यहाँ पे 4B, ठीक है। ये करने के बाद इसे ब्लेंड करना है, तो इतना करो पहले फिर ब्लेंड बताता हूँ। चलो ब्लेंडिंग भी देखो, ब्लेंडिंग के लिए इस तरीके से बनाओ, छोटा पार्ट बनाओ, ओके, फिर धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर चलाओ, रफ शेडिंग करिए ना ये, और अच्छे प्रेशर के साथ चलाओ, गोल गोल घुमाओ, ओके। बीच में जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसे ऐसे नहीं कि कंप्लीटली छोड़ दो, उसके बॉर्डर्स पे लाओ, तो हल्का सा बीच में छूट रहा है ना, इतनी काफी अपने लिए, क्योंकि अभी 8B करेंगे, 8B भी आ जाएगा इसमें, इतना पोर्शन छोड़ना जरूरी है। धीरे इस तरीके से करो, आराम से करते जाओ, ये वाला पोर्शन करो, ये वाला जो है उसको सर्कुलर चला लो, बस सर्कुलर चलाने से क्या होता है आसपास आराम से फैलता है, ये कर, धीरे धीरे इस पे चलाता जाओ, इस पे धीरे धीरे चलाते जाओ और ये स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और बाकी का ये जो पोर्शन है जो थोड़ा यहाँ बॉर्डर उसमें से कर्व करके ब्रश चलाते जाओ, ठीक है, तो ये जो बॉर्डर्स जो रफ से दिख रहा है वो ब्लेंड से हो जाएंगे अभी, क्योंकि 8B करना, 8B से अंदर की तरफ भी आएगा ग्रेफाइट, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इसे जरूर करना ब्रश से, उसे कॉटन से नहीं करना, क्योंकि फिर क्या ये जो अपन ने कल बनाया था उसमें वो गंदा करेगा। इस तरीके से धीरे धीरे करो, ठीक है, मेन पार्ट इसमें सेंटर में करना है, तो ऐसा नहीं कि पूरे में ब्लेंड कर दिया ये वाला, ठीक है, इतना करो। 8B पेंसिल भी मेजोरिटी पोर्शन 8B का देख सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये ऊपर वाला तो पूरा 8B है, और ये बॉर्डर ये हल्की हल्की शेड होगी, ये 8B की तरह होगा ये वाला पोर्शन, और ये हल्का होगा, ठीक है। तो 8B जैसे डार्क टू लाइट करते ला रहा हूँ मैं, ठीक है 6B की बॉर्डर तक ला रहा हूँ, लेकिन क्या करना है 6 और अंदर तक लाना है, लेकिन अंदर जो ला रहे हो ना उसे लाइट रखना है, उसे लाइट रखना है इस तरीके से, ठीक है। ये हिस्सा लाइट रहेगा, देख सकते हो ये वाला हिस्सा लाइट है, इसके ऊपर वाला पूरा डार्क रहेगा, ये जो हिस्सा है ये पूरा डार्क रहेगा, बस इतने हिस्से को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे जब लाओगे तो वो डार्क टू लाइट करते हुए लाना, एकदम मत छोड़ देना, क्योंकि फिर वो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होगी। ऑर्डर तो दिया, दिखाओ, तो बताया गया
हाइलाइट्स वाला पोर्शन अपन खुद करते हैं, तो ये जो स्ट्रिप दिख रही ना इसमें ओवल शेप में रेस करो, ठीक है? जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे देखते जाओ, ये है इसमें मोनो जीरो इरेजर ले लो, ठीक है? मोनो जीरो इरेजर से इसे ओवल शेप में रेस करते जाओ थोड़ा, ठीक है? करते जाओ इस तरीके से। वाला पोर्शन अपन खुद करते हैं, तो ये जो स्ट्रिप दिख रही ना इसमें ओवल शेप में रेस करो, ठीक है? जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे देखते जाओ, ये है इसमें मोनो जीरो इरेजर ले लो, ठीक है? मोनो जीरो इरेजर से इसे ओवल शेप में रेस करते जाओ, ठीक है? करते जाओ इस तरीके से। इस तरीके से हुआ, इस तरीके से अपन और यहाँ पे बना देंगे। यहाँ का थोड़ा अलग है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसी तरीके से बना दूंगा। और एकदम ऐसे नहीं कि खिसके पूरा व्हाइट कर दो, हल्का सा करो, क्योंकि व्हाइट जेल पेन से अपन ऐसे बीच में डॉट्स भी रखेंगे ताकि वो थोड़ा उभरता हुआ दिखे। ठीक है, इस तरीके से बन गया ये। और जरा यहाँ देखो ये ऊपर की डिजाइन, ऊपर की डिजाइन कैसी रहेगी, जो आउटलाइन दिख रही है सीरीज की अपन ने, ठीक है? इसके अंदर एक और आउटलाइन बनाई अपन ने सीरीज करी, और इसके अंदर फिर ऐसे थोड़े सर्कल्स टाइप, ठीक है, फूल अपन को बनाने हैं, जैसे ओवल शेप टाइप कर। और अब क्या करना है, इस तरीके से जो अंदर वाला पार्ट है उसे मैकेनिकल पेंसिल की मदद से, जो जो इरेज नहीं किया है अपन ने, उसे मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर लो, ठीक है? इसकी जो आउटलाइन है ये मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर लो। ये जो आउटलाइन यहाँ दिया, अभी बाहर का जो है ना, ये भी जो निकल रहा है एक्स्ट्रा, वो इरेज करना है, ठीक है? और क्या कहते हैं, अब देखो अब व्हाइट जेल पेन लो, देखना ध्यान यहाँ ध्यान दो, ये जो कान वाला जो पीस था, हेयर पीस, ठीक है, इसे अपन ने से हाईलाइट दे दिया। अब व्हाइट जेल पेन का काम है, जरा यहाँ देखो जो आंख के नीचे पीस आ रहा ना, उससे एक ऐसे लाइन सी आ रही है, ये वो आ गया। अब अपन जो एक क्या करना है, सब में ऐसे डॉट सी रखनी है बीच में, ठीक है? इस तरीके से देखो, ये दिख रही जो शाइन आती जा रही है, ये सब में करना है, करो साथ साथ करते।
ये वाले में क्या है, पूरे में नहीं भरना, ये जो अंदर में एक हल्की सी ऐसे लाइन सी जा रही है, एक हल्की सी लाइन यहाँ जा रही है, ये हल्की सी अंदर आउटलाइन एक ये जा रही है, एक अंदर से लाइन ये जा रही है, और इनके बीच में भी ऐसी डॉट्स रखनी है। तो इस तरीके से साड़ी का सिंपल सा टेक्सचर तैयार हो जाता है। इतना कर लो, तो अब अपन क्या करना, ये सॉफ्ट कहते सॉफ्ट क्या, न्यूट्रल चारकोल पेंसिल से हो गए, अब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज करनी है। तो पहले देख लो कि क्या किया अपन ने, इसे करने के बाद ब्रश से बहुत ज्यादा खिसके नहीं किया ब्लेंड, हल्का हल्का कर लिया, और बाहर की तरफ नहीं फैलने चाहिए, तो हल्का हल्का ही ब्रश चलाया। अब आ जाओ अपनी क्या कहते हैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, अब देखो इसमें बालों में कोई ऐसे बहुत हाईलाइट्स नहीं दिख रहे, तो अपन जो नॉर्मली ऐसे बनाते हैं वही बनाएंगे, और जो हाईलाइट्स हल्के हल्के अपने आप बनते जाएंगे उन्हीं के साथ चलेंगे अपन, ठीक है। तो मैं जो चल करता जा रहा हूँ साथ साथ करते जाओ, ये वाले तो आते ही है, फर्स्ट लेयर कर ली, सेकेंड लेयर आती ही है, फिर साथ साथ करते जाओ, ठीक है। और सॉफ्ट चारकोल से करना और आराम से करो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, अपना टाइम लो, नीटनेस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है, बाल अपने आप अच्छे बन जाएंगे, साथ साथ करते जाओ, मुझे देखते जाओ। एक बात ध्यान रखना, बीच में मांग है ना, इसे पूरा नहीं भर देना, ये हिस्सा दिख रहा है मांग का, ये अपन को छोड़ना है, थोड़ा ऊपर जाते जाते भले ही कम हो रही है, नीचे वाला हिस्सा मत कर देना, नीचे वाला हिस्सा छोड़ मत देना, गलती हो जाएगी बहुत बुरी वाली, ठीक है। अभी ये जो चल रहा है जिस तरीके से, उसी तरीके से चल ले तो, और बीच में हल्का सा छोड़ना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रोक्स कंसिस्टेंट लगाओ, एक आध दो बाल ऐसे हल्के हल्के बाहर जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, चेहरे पे नहीं आना चाहिए कुछ भी, ओके। और इस तरीके से स्ट्रोक पेंसिल को शार्प पॉइंट जो है उसका यूज करो, पेंसिल का जो शार्प पॉइंट है ना ये आता जा रहा है, इसका यूज करो इस तरीके से धीरे धीरे, देखो कोई जल्दी नहीं होती इनमें, एक साइड देख सकते हो बन गई है, तो अब राइट साइड वाला भी देख ही लो, ठीक है। तो राइट साइड वाला भी इसी तरीके से ऊपर से लेते हुए आओ, अब ऐसा नहीं कि मिला दो इसमें, इधर में बीच में मांग रहनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रोक्स जो है वो कर्व्ड रहने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, कर्व्ड रहने चाहिए इस तरीके से, ये थोड़े थोड़े ऐसे चेहरे पे एक आउटलाइन मत बना देना, कि एक चेहरे पे हल्के हल्के जो बाल आते हैं ना यहीं से निकलते हैं बाल, यहाँ कैसे पतले हो जाते हैं, ये जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं इसी तरीके से आएंगे, इसे कर्व कर करके, ओके। ये देख सकते हो बीच में मैंने मांग छोड़ी, अभी क्या है बहुत ज्यादा एकदम ब्राइट दिख रही है, लेकिन जैसे ब्लेंड कर लेंगे ना तो बढ़िया दिखेगी, तो अभी रुक जाओ ब्लेंड करते हैं इसको होने के बाद, तो पहले इतना देख लो,
इस तरीके से देखना अपना जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसे थोड़े और आगे आगे तक ले आया मैं, इस तरीके से रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेरा स्केच कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, बालों वाला पोर्शन। अब मैं ब्रश लूंगा और ब्लेंड करूंगा। तो ब्लेंड करते हैं, ब्रश ले लो अपना। एक बात ध्यान रखना, चेहरे में बहुत सारे हाईलाइट पोर्शन है, खासकर फोरहेड वाले में, तो उसमें जो चारकोल है प्रिवेंट करना कि चारकोल उसमें ना आ जाए, और फूक मारते रहो, ठीक है। चारकोल जो है वो थोड़े हल्के प्रेशर के साथ करो, हल्के प्रेशर मतलब ऐसे नहीं घिस रहे हो, उस जगह पे चार पांच बार करो ताकि वो इससे बढ़िया डार्क हो जाए। तो अपन बाल अपन ने चारकोल इसलिए करे थे ताकि जो बाल है वो अपन को अच्छे खासे डार्क मिले, ठीक है। तो हल्का हल्का जो ब्रश है उसमें थोड़ा चारकोल है वो यहाँ बीच में मांग की तरफ लाओगे तो थोड़ी थोड़ी भरती जाएगी, थोड़ी उतना नहीं भरना, फूक मारते रहो, ठीक है। जो बचा कुछ चारकोल है वो हल्का सा इधर आएगा, मतलब फूक मारते रहो, पूरा गायब हो जाएगा।